بسم الله الرحمن الرحيم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا الحمدللہ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان یو پی لاباد سے सामाइन, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे एक शोशा चल रहा है कि 16 मार्च, हालांकि फारूक खान साहब ने ये खुद ओपन बोल दिया था कि 16 मार्च को कोई मुनाजरा नहीं है, 16 मार्च को मेरा जलसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक आ चुका है वीडियो उनकी तरफ से, और उन्होंने खुद बोला है कि हम अफू खान साहब का नाम अपने जलसे में लेने के लिए हम राजी हैं और हम अफू खान का जो नाम है उसको लेके चैलेंज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब लेकिन जो उन्होंने जो कंडीशन बताई है वो ऐसी बताई है कि ये चैलेंज तो कर देंगे स्टेज के ऊपर, लेकिन उसके बाद ये आमने सामने ये कभी बैठने को राजी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो कंडीशन है, जो इनकी शरायतें हैं, वो ऐसी हैं कि अपनी अकल से लाद दो कंडीशन और उसके बाद बोल दो कि ऐसा ऐसा करके दें, तब आमने सामने बात होगी। इसको बोलते हैं राहे फरार इख्तियार करना। ठीक है, तो सामाई इनका वीडियो में इन्होंने जो बोला, ये अफू खान कौन है भाई, ये जो नाम है ये नाम ही इस्लामी नहीं है, गैर इस्लामी है। तो मेरे भाई इनसे पहला सवाल ये है कि जो ये अफू नाम है ये कौन सी मूर्ति का है, बुद्ध का है, माबूद का है, वो मेरे भाई दलील दे दे। ठीक है भाई, उनका दावा है ना, ये फारूक खान साहब का भाई, ये उनका दावा है कि जो ये अफू नाम है इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कैसा नाम है? तो मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हातु बुरानकुम इंतुम सादिकीन। अगर आप सच्चे हैं तो उसका मेरे भाई सबूत पेश करें, वो एक दलील दे दें कि जो ये अफू नाम है भाई ये मतलब किसी माबूद का है, मूर्ति का है, बुद्ध का है, तो इंशाल्लाह हम इस नाम को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। फारूक खान साहब ने कहा कि जो ये अफू खान है ये औरत है या आदमी है इसको तो कोई पता ही नहीं चलता। तो शायद भाई ये भूल गए हैं, अब हमको लगता है वो सब जो ऑडियोज हैं उनको शेयर करना पड़ेगा कि तमाम जितने बरेलवी हैं उनके खुद के मेरे पास फोन आए हैं, उन्होंने कहा यार अफू क्या अपनी जमात में क्या तुम ही क्या इकलौते मर्द हो क्या? अब देखिए, यानी कि इनकी जो मेरे भाई जमात है वो भी ये चीज को मानती है कि अफू खान अल्हम्दुलिल्लाह आदमी है, मर्द है। आइए, फारूक खान साहब जब हमसे बार बार पूछ रहे थे क्या नाम है तुम्हारा, ओरिजिनल क्या नाम है, ओरिजिनल अपना नाम बताओ, ठीक, तो मैंने फारूक खान साहब से ओपन कहा था कि मेरा नाम है अफू खान इलाहाबादी, बरेलवियों का दूल्हा भाई। ठीक है, तो दूल्हा भाई जो होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह आदमी होता है, मर्द होता है। ठीक है, जी जात जी, यानी कि मेरे भाई जिसके आगे जी और जिसके पीछे जी, वो है मेरे भाई बरेलवियों का जीजा जी अफू खान। ठीक है, तो हमारे वहां भैया जो जीजा जी होता है वो होता है आदमी। ठीक, अब आपके वहां जो मेरे भाई जीजा जी दूल्हा भाई बहनोई होते होंगे
वो हो सकता है औरत हो या बीच वाले हो, खैर वो आपका अपना मसला है। मैंने साबित कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अफ्फू खान है वो आदमी है, मर्द है। अब रही बात अफ्फू खान जो पर्दे में है वो पर्दे से बाहर कब आएगा, तो देखिए पहली चीज तो जो ये आप चालबाजी खेल रहे हैं, ये चालबाजी हमें भी अच्छे से पता है। आप ये वीडियो में जो बहुत चालाकी से मेरे को पानी पे उठाना चाह रहे हैं कि अफ्फू खान का नाम लेके उसको पानी पे इतना उठा दो कि वो अपना खुद का वीडियो बना के अपलोड कर दे, और उसके बाद कौन इसको मुंह लगाएगा, कौन इससे मुनाजरा करेगा, इसको आवाम के सामने खाली इसको लेके आना है। तो भैया मैं कोई अंगूठा चूसने वाला ना तो बच्चा हूं ना कुछ, मैं सामने आऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा मैं सामने आऊंगा, और इंशाल्लाह इल्म की ऐसी मेरे भाई बारिश होगी आपके ऊपर कि आपका जो मेरे भाई जो ये जो मंतिक कयास है, जिहालत है, वो एकदम मेरे भाई भीग के नाली के अंदर बह जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन मैं अपना चेहरा लेके इंशाल्लाह तभी सामने आऊंगा जब वाकई आमना सामना हमारा आपका होगा, क्योंकि मेरा ये मेरे भाई ये एक सोच है कि जब आप आमने सामने आएंगे ना मेरे, तो मैं एक ही बार सामने आऊंगा और फिर आपको जाने दूंगा नहीं, जब तक पूरी तरीके से जितना आपका जोश है, नशा है, और मेरे भाई जो ये मतलब जो खुजली होती रहती है आपके कि हाँ मुनाजरा कर लो मुनाजरा कर लो, जब तक ये जो मेरे भाई खुजली है वो मिटाऊंगा नहीं, तब तक इंशाल्लाह आपको जाने दूंगा नहीं। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे मैं जो अपना चेहरा है उसको सामने ला दूं और उसके बाद आप भैया वो ना करने आओ तो भाई मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं कोई पर्दे में नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुलेआम मेरे भाई टहलता हूँ घूमता हूँ। और आप जो बोलते हैं कि जो ये अफ्फू खान है इसको कोई जानता नहीं है, इसको किसी ने आज तक देखा नहीं है, तो भैया आपने नहीं देखा तो क्या मेरे भाई इसका मतलब हमको मेरे भाई किसी ने आज तक देखा ही नहीं? अरे भाई हमारे माँ बाप ने देखा, हमारे फैमिली वालों ने देखा, हमारे खानदान वालों ने देखा, हमारे मोहल्ले वालों ने देखा, मेरे ऑफिस वालों ने देखा, मेरे जो कारोबार है उन्होंने हमको देखा, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे जमात के साथी हैं सबने हमें देखा, ठीक है, यहाँ तक कि जो मेरी जमियत है उसने हमें देखा। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? खैर अब इन्होंने कहा ये अफ्फू खान कौन है, अफ्फू खान है कौन? आज तक कभी इसने 25 आदमियों को तो सामने रख के कभी भी मतलब ना तो उनको मतलब बयान दिया ना कुछ दिया। आइए चलिए इसका बता देते हैं। भाई देखिए मैं कोई स्पीकर तो हूँ नहीं, ठीक है भाई, जो ये बयान देना होता है ये काम होता है स्पीकर का, मैं स्पीकर तो हूँ नहीं, मैं तो मेरे भाई अहले सुन्नत अहले हदीस का एक मेरे भाई दाई हूँ, एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ, ठीक है। तो मैंने जो 25 लोग हैं उनको सामने बैठा के कोई बयानबाजी मैंने नहीं की है, बल्कि अल्लाह का शुक्र है मैंने 2000 से ज़्यादा हनफियों से अलग अलग उनवान पे अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट बात की है, डायरेक्ट, ठीक है। तो 25 लोगों को सामने बैठा के बयान देना बहुत आसान है बनिस्बत 2000 से ज़्यादा हनफियों से अलग अलग उनवान पे बात करना, ठीक है। तो खैर ये सब मेरे भैया मुगालतेबाजी आप छोड़ दीजिए, वो जब इंशाल्लाह आमना सामना होगा ना, अब ज़्यादा दिन अब नहीं है, अब जो ये पर्दा है ना अब ये उठने वाला है, तो आप परेशान ना होइए। अब जिस दिन मैं आमने सामने आऊँगा और इंशाल्लाह जब अल्लाह वो दिन को भाई को लेके आएगा कि हम और आप आमने सामने बैठेंगे इल्म के मैदान में, ठीक है। तो आइए अब इनका मेन जो मतलब जो इनका जो जो बात थी वो ये थी कि इनकी जो शरायतें हैं वो जरा आप सुनिए, ऐसी शरायत कि जिससे लगता है कि ये मेरे भाई ये भागना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इनको भागने दूंगा नहीं, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार मैं पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ। जो आज दिन आया है फारूक खान साहब ने खुद मेरा नाम लेके वीडियो बनाया है, इस दिन का मैं इंतज़ार 4 सालों से कर रहा हूँ। मैंने आज से 4 साल पहले फारूक खान साहब का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने अपने लैपटॉप को खोल के अपनी अंधी आवाम को और अंधा बनाया था और बेवकूफ़ बनाया था, यहाँ तक कि फारूक खान साहब वो उन्होंने अपना जो लैपटॉप था ना उसमें से कभी कोई मेरे भाई हदीस बताई, ना कोई मेरे भाई कुरान समझाया, ना सहाबा क्या करते थे वो बताया, ना तौहीद क्या है, ना शिर्क, ना सुन्नत, ना ही मेरे भाई बिदअत, ना ही उस तरह नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी, कुछ नहीं बताया इन्होंने, सिर्फ लैपटॉप खोल खोल के ये देखिए सऊदी अरब में तो नाच गाना हो रहा है, ये देखिए सऊदी वाले तो डांस कर रहे हैं, ये देखिए सऊदी वाले तो शराब पी रहे हैं,
ये देखिए सऊदी वाले नमाज पढ़ रहा है तो बीच में फोन आ गया तो नमाज तोड़ दिया, ये देखिए सऊदी सऊदी सऊदी। भैया सऊदी से हमारा लेना देना नहीं है, हम अहले सुन्नत अहले हदीस से, हमारे जो उसूल है वो है कुरान हदीस, ठीक है। अभी आप परेशान ना होइए, जब हमारा आपका आमने सामने बैठ के जो उसूल है ना जब तय होंगे ना, तब पता चल जाएगा कि हनफियों के क्या उसूल हैं और अहले सुन्नत अहले हदीस के क्या उसूल हैं। और हमें भी देखना है कि आप क्या बन के बात करते हो, मुकल्लिद बन के बात करते हो, आलिम बन के बात करते हो, मुजतहिद बन के बात करते हो, गैर मुकल्लिद बन के बात करते हो, सब अभी पता चलेगा, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। खैर मेन मुद्दा ये था कि जब मैंने इनका आज से 4 साल पहले एक इनका बयान हमने देखा, तो उसी दिन मैंने सोचा था कि ये ऐसा इंसान है जो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है यार। जो आवाम है वो भाई वो पैसे देती है 20,000 रुपये देती है, वो ये नहीं जानने के लिए देती है कि सऊदी अरब में कौन भाई वो डांस कर रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पक्की मज़ारे हैं, ये जानने के लिए 20,000 कोई नहीं देता। 20,000 लोग इसलिए दे रहे हैं कि आप अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताएं, आप सहाबा का अमल बताएं, सहाबिया के वाकियात बताएं, ना कि पीर बाबा के किस्से कहानी बताएं। तो ये तो अपनी जो आवाम है उसके 20,000 भाई उनके खा के अपनी आवाम को चूना लगा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये सब दीन के गद्दार हैं, गद्दार। और इनकी जो गद्दारी है वो इंशाअल्लाह आमना सामना जब होगा मैं साबित करूँगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। खैर अब अफ्फू खान ये कैसा नाम है, अफ्फू खान को कोई जानता नहीं, अफ्फू खान को तो उसकी जमात वाले नहीं जानते, अफ्फू खान इसका ओरिजिनल भाई वो नाम नहीं है, इसको अपने जो बाप है बाप का ओरिजिनल, चलिए ठीक है आप मेरे बाप के गए हैं ना, तो चलिए आज मैं आपको अपने बाप का भी नाम बता देता हूँ, कान में सांडे का तेल डाल के अच्छे से मेरे भाई सुन लीजिए। अफ्फू खान इलाहाबादी के जो वालिद हैं अब्बा हैं उनका नाम है NA खान, ठीक है, यानी कि नियाज अहमद खान साहब, ठीक है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ओरिजिनल हूँ और मेरा बाप भी ओरिजिनल है, मैंने अपने बाप का ओरिजिनल आपको नाम बता दिया है। अब आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने बाप का ओरिजिनल हमको नाम बताएं, ठीक है। हालांकि ये कोई मेरे भाई कंडीशन नहीं है, शरायत नहीं है, लेकिन आपको बहुत ये शौक रहता है ना दूसरों के जो मतलब बाप हैं उनका नाम जानने का, तो चलिए मैंने तो अपने बाप का नाम आपको बता दिया है, आप में भी हिम्मत हो तो अपने बाप का नाम बता देना, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये हमारे जमीयत का लेटर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो फारूक खान साहब बोल रहे थे कि जो ये अफ्फू नाम है ये अफ्फू नाम कैसा है, तो ये देखिए सामाई जो हमारी जो जमीयत है वो भी हमें इसी नाम से जानती है, अफ्फू खान साकिन इलाहाबाद, ठीक है। ये देखिए ये हमारी मेरे भाई जो जमीयत है अहले हदीस की पूरे उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वहाँ का ये मेरे भाई हेड ऑफिस है, ये है आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ पर इसका मेन ऑफिस है। ये देखिए ये तो खैर इसका आइए ओरिजिनल देखते हैं, कल को कोई कह देगा फोटो कॉपी ये हम नहीं मानते, तो ये देखिए ये है अफ्फू खान का ओरिजिनल, ये है लेटर पैड, और इसमें जो हमारे जो अमीर हैं जमीयत के उत्तर प्रदेश के जो मेरे भाई सबसे जो टॉप के आलम दीन हैं सदर हैं उनके साइन हैं, और उनका नाम है मौलाना शाहबुद्दीन मदनी हाफिजुल्ला, आपने खुद साइन किया है लेटर पैड पे और आपने जो ये स्टैंप होती है उसको भी लगाया है, तो ये हमारा पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये है लेटर पैड। अब जो लेटर पैड है ये देखिए जमीयत अहले हदीस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, अमन कॉलोनी, और ये पूरा इसका एड्रेस है, ठीक है। और ये लेटर पैड को ये ना कहिए तो बहुत पुराना है, नया हमको चाहिए, ये बिल्कुल नया लेटर पैड बनवाया है मैंने। ये देखिए इसकी जो डेट है इशू होने की वो है 24 फरवरी 2019, ठीक है। और ये देखिए इस पर बाकायदा मेरे भाई ये तस्दीक की गई है कि जो अफ्फू खान है वो अपने जो अकायद है मनहज है उसमें पुख्ता है, अहले सुन्नत अहले हदीस है, और जो मेरी जमीयत है वो भी मुझे अफ्फू खान के नाम से जानती है। तो अब सारे भैया आपके जो मुगालते थे उसका मुंह तोड़ जवाब हमने दे दिया है, ठीक है। अब दोबारा कभी नाम पे उंगली ना कीजिएगा और ना कभी जो मेरे भाई जमीयत है उस पर उंगली कीजिएगा, मैं अफ्फू खान हूँ, यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ,
और मेरे जमात वाले भी जानते हैं अफू खान साकिन इलाहाबाद, ठीक है। और जो बाकी लोग हैं वो लोग तो एकदम खुल के जानते हैं कि अफू खान अलाहाबादी और बरेलवियों का दूल्हा भाई। तो ये हमारा था लेटर पैड जिस पे बाकायदा जो जमियत के जो मतलब जो सदर हैं अमीर उनके साइन है, सिग्नेचर है, और ये स्टैम्प है, ये डेट है, इस डेट को इशू हुआ है, आप सब लोग देख लीजिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो फ़ोटो कॉपी है वो भी रखी हुई है और ये इसका ओरिजिनल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलाहाबाद तो छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश की जो जमियत है वो अफू खान को जानती है और अफू खान के लिए दुआ करती है और अफू खान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है। तो मैं पीछे हटने वाला अब नहीं हूँ, अब मैं इंशाल्लाह आऊँगा और इल्म के मैदान में बात होगी। ये हवाई फायरिंग करना छोड़ दीजिए कि 2 लेटर पैड लाए, 10 लेटर पैड लाए, इसको बोलते हैं भागने के रास्ते इख्तियार करना, ठीक है। मैंने तो अभी तक आपसे बोला ही नहीं कि आप अपना लेटर पैड दिखाओ, क्योंकि आपके जमात वाले बोलते हैं कि आप आलिम नहीं हो। सूफी कलीम हानफी रजवी बरेलवी गाली शाह बाबा कहते हैं कि फारूक खान रजवी वो आलिम नहीं है। और अगर आपको चैलेंज करना है तो उलमा को चैलेंज कीजिए, तो आपके जमात वाले आपको उलमा नहीं मानते, आलिम नहीं मानते। और आप एक दूसरे आलिम दीन हैं उनका भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, उन्होंने तो खुद कहा है कि फारूक खान रजवी चैलेंज कर देते हैं, उसूल तय करने के बाद भाग जाते हैं और बेइज्जती करवा देते हैं, और उनको चैलेंजबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो जो अपना जो काम करते हैं वो अपना उनका अंदाज है, लैपटॉप खोल खोल के अपनी तहकीक पेश करना, वो अपनी तहकीक पेश करें लेकिन किसी को चैलेंज वो ना करें। तो ये है फारूक खान साहब का हाल, ये उनकी हकीकत, और बनते हैं बहुत बड़े अल्लामा मुनाजिर और कहते हैं कि मैं 10-10 साल से तुम्हारे मैं बाप दादाओं को चैलेंज कर रहा हूँ। अरे कौन आएगा तुमसे बात करने भैया, तुम्हारी जमात वाले तुमको भाई उलमा नहीं समझते, आलिम नहीं समझते, ठीक है, उसूल तय करने के बाद भाग जाते हो, ये आपका मेरे भाई ये इतिहास है, बैकग्राउंड है, और आप कहते हो कि लो इनके बाप लोग हमसे बात नहीं करने आते, तो वकार मालूम है ना। अब आइए, ये मिठाई का डिब्बा है सामाइन, ये हमारे प्यारे प्यारे जो हमारे अहले सुन्नत अहले हदीस भाई हैं उनके लिए भाई ये एक तोहफा है। तो जो इलाहाबाद के लोग हैं उनको तो मिठाई इंशाल्लाह जब बांट देंगे, और बाकी जो मेरे भाई दुनिया में हमारे भाई लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जाएं और अपना अपना मेरे भाई जो उनको अच्छी लगती हो मिठाई अपना खरीद के खा लें और मेरे भाई खुशियाँ मनाएं कि अफू खान अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस है और जमियत का लेटर उसके पास है। ये लेटर पैड अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उत्तर प्रदेश की जो जमियत है उसका लेटर पैड है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और बाकी जो बरेलवी भाई हैं अगर उनको लालच आ रही है भैया ये सोन पापड़ी देख के, तो वो भी खरीद के खा सकते हैं, लेकिन भैया इतनी इल्तिजा है कि फातिया देख के खाना ना खाएं, ठीक है, क्योंकि जहाँ देखते हैं भैया वो लोग मीठा फौरन भैया फातिया स्टार्ट कर देते हैं, तो फातिया दे के मीठा ना खाएं, ठीक है मेरे भाई। खुशी की बात है अफू खान अलाहाबादी बरेलवियों का दूल्हा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जमियत भी उसको अफू खान के नाम से जानती है और जमियत भी अल्हम्दुलिल्लाह अफू खान का साथ दे रही है। इस मेरे भाई छोटी सी खुशी में आप सभी लोग जो अपना भाई जो मुंह है उसको मीठा करें। और ये अब आते हैं, अब फारूक खान साहब आपने जो वीडियो अपना जो अपलोड किया था और 6 दिन का टाइम दिया था, इंशाल्लाह 6 दिन में उसका जो आंसर है जवाब है वो आपको इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। आप खाली 16 मार्च को इतना काम कीजिएगा, और आपने अपने वीडियो में भी ये वादा कर लिया है कि मैं अफू खान साहब का नाम जलसे में लेके चैलेंज करूँगा, आप जलसे में नाम लेके चैलेंज कीजिए, इंशाल्लाह जो बात होगी बाउसूल होगी और उसूल के एकदम मेरे भाई दायरे में होगी। जो मुनाजरे के उसूल हैं जो शरायत हैं वो आप भी फॉलो करोगे, हम भी फॉलो करेंगे, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जो उसूल हमारे लिए होगा वो आपके लिए होगा, अकेले आप ही अपना मेरे भाई उसूल ना मतलब भाई हमारे ऊपर थोपेंगे ना हम आपके ऊपर अपने उसूल थोपेंगे। अगर वाकई आपको इल्म के मैदान में बात करना है तो कहीं पर आपको हमारी बात को रखना पड़ेगा और कहीं पर हमें आपकी बात को रखना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि मुनाजरा हो, अगर वाकई अफू खान को फेस टू फेस देखना चाहते हो तो आमने सामना तो करना ही पड़ेगा, और आमना सामना तभी होगा जब आप भाई 16 तारीख को नाम लेके आप भाई अगर आप चैलेंज करते हैं तो हम अपनी जमीयत के पास जाएंगे
उनसे कहेंगे भाई ये फला आदमी इसने नाम लेके चैलेंज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमें जो मेरे भाई दीनी जो किताबें हैं किताबें अपना इंतज़ाम करेंगे, हम जो कैमरा है कैमरे का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई जब आमने सामने बात होगी तो जो आपके जो वो लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप की तो बात को मेरे भाई हम लोग मानेंगे नहीं, और जो ये इंटरनेट के जो ये स्कैन आते हैं इंटरनेट के जो भाई स्कैन है उनको तो मानेंगे नहीं, जो पीडीएफ में जो मेरे भाई किताबें हैं उनको तो ना आप मानेंगे ना हम मानेंगे, तो किताबों का भी तो भाई इंतज़ाम करना है ना, तो सारा इंतज़ाम करना है। मेरा मूड पूरा मेरे भैया आपसे आमने सामने बैठ के मुनाजरा करने का है, लेकिन आपका मूड ये है कि ऐसे कंडीशन ऐसी भैया जो शरारतें हैं वो लगा दूँ कि भैया मुनाजरा ही ना हो, लेकिन मैं आपको भागने नहीं दूंगा, क्योंकि पहली चीज़ तो मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, और अगर अहले सुन्नत अहले हदीस को कोई छेड़ देता है तो मैं उसको भाई मैं छोड़ता नहीं। अहले हदीस हैं हम ये अज़्म है हमारा, अहले हदीस हैं हम ये अज़्म है हमारा, काफ़ी है सिर्फ हमको काफ़ी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा, अहले हदीस हैं हम ये अज़्म है हमारा। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 129 में, आप कह दीजिए कि क्या तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है, तो बेशक अफ्फू खान के लिए सिर्फ अल्लाह काफ़ी है। ये जमियत ने जो अल्हम्दुलिल्लाह मदद की है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि जमियत आज साथ में, अगर जमियत मेरे साथ अगर वो ना भी होती तो भी इंशाअल्लाह मैं आमने सामने आता और बात करता, और अब तो जमियत साथ खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो फारूक खान रजवी का अंत है अंत, उसने जितने झूठ बोले हैं 8-10 साल में सबका अंत आने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने साबित कर दिया कि जो अफ्फू खान है उसको उसकी जो जमात है उन्होंने देखा है, देख के तस्दीक की है, उसका जो मनहज है अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह गवाही दी है, और उसका जो नाम है वो अफ्फू खान के नाम से वो जाना जाता है। तो अब कोई भैया बहानेबाजी ना करें, दाएं बाएं की बातें ना करें, इंतज़ार कीजिए फारूक खान साहब ने जो वीडियो अपलोड किया है, मैं इंशाअल्लाह फारिग होकर उसका जवाब देता हूँ, अगर हम दोनों एक दूसरे की बात को मानेंगे समझेंगे, और वाकई दिल में मेरे भाई ये अहद है कि आमने सामने बैठ के बात करना है, तो मेरे भाई उनको हमारी बात को मानना पड़ेगा और हमें उनकी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन खाली अगर ये यूट्यूब पे वीडियो खेलना है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आवाम है ना, जो मतलब जो हमारे जो भाई हैं बरेलवी भाई हैं अहले हदीस भाई हैं, दोनों मेरे भाई लोगों की ये चाहे कि आमने सामने मुनाजरा हो, और अब अगर मेरे भैया मुनाजरा ना हुआ तो फारूक खान साहब की तो कोई इज्जत भैया है नहीं, लेकिन अफ्फू खान इलाहाबादी की इज्जत है, मैं अपनी इज्जत पे दाग इंशाल्लाह नहीं आने दूंगा, मैं इंशाल्लाह करूंगा मुनाजरा हर उनवान पे करूंगा और जाने ही नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह सब्र कीजिए, आके नाम लीजिए। तो सामाइन इंशाल्लाह आप सभी लोग अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुबहान व तआला जो अल्हम्दुलिल्लाह हक है उसको अल्लाह सुबहान व तआला गालिब कर दे, और जो बेशक जो हक है वो बातिल के ऊपर इंशाल्लाह गालिब होके रहेगा, और जो हक है वो है अहले सुन्नत अहले हदीस और फारूक खान साहब के लिए। मन तशब्बा अम्मा अब्बा, ठीक है, मन तशब्बा अम्मा अब्बा, आधी लाइन की हदीस पढ़ने में अम्मा अब्बा याद आ जाते हैं, और अहले हदीसों को ऐसे ऐसे शरारतें लगाते हैं उसूल बांध देते हैं कि मुनाजरा होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाए। उसूल सीख के आइए, ऐसी कंडीशन बनाइए जिस पे आप भी अमल करें हम भी अमल करें, क्योंकि आमने सामने बात करनी है, ठीक है। ये अब ये स्टेज पे मेरे भैया आप मतलब भाई वो ऑक्सीजन को लेते हैं हाइड्रोजन छोड़ते हैं, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक। और मन तशब्बा अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा को बार बार भैया आप एक हदीस पढ़ने में याद करने लगते हैं, अहले हदीस के सामने बैठेंगे तो आपको तो अपने बाप दादा ही आपको याद आ जाएंगे। तो हदीस हदीस भैया सीख के आइएगा, ठीक है, बेइज्जती आपकी ना हो जाए कहीं फिर से, ठीक है।
और जो हदीस आप मेरे भाई भूल गए थे वो आपको मैं थोड़ा सा मेरे भाई सीख दे देता हूँ इस वीडियो के जरिए। वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अबू दाऊद हदीस का नंबर 4031। ठीक है, तो हदीस अच्छे से याद करके आइएगा। ये भैया क्या है, ये मनता शब्बा अम्मा अब्बा, ये अम्मा अब्बा याद ना कीजिए। वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, पूरी हदीस याद करके आइएगा मैं अरबी के साथ। ठीक है, तो ये फारूक खान साहब के लिए खाली, क्योंकि भाई वो किसी अंगूठा चूसने वाले देवबंदी से बात करने नहीं आ रहे हैं, वो अहले सुन्नत अहले हदीस से बात करने आ रहे हैं। और अफू खान की जो उलमा की टीम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अफू खान को अहले सुन्नत अहले हदीस को आके हरा के चला जाए ना, तो भाई मैं जिंदगी भर लोगों से बात करना बंद कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई तकब्बुर नहीं है, घमंड नहीं है, अल्लाह के ऊपर यकीन है, अपने नबी की बात पे यकीन है। मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जामे तिर्मिजी की हदीस है, बाप का नाम में और बाप का नाम है चैप्टर का नाम है किताबुल फितन, कि मेरी उम्मत का एक ताइफा एक ग्रोह वो हमेशा हक पे रहेगा, और जो बाकी लोग होंगे दुश्मनी उससे रखेंगे उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि इस ताइफा से मुराद जो है वो है अहले सुन्नत अहले हदीस असाबुल हदीस अहले असर अल्हम्दुलिल्लाह। तो सामाइन आगे आगे देखिए होता है क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।